विक्रमजीत और मुझे लगता है अब एक चीज़ और जुड़ने जा रही है, दैट इज़ ब्लॉगर। मैं गोवा में गोवा से ही जाए, क्योंकि गोवा इतना हैपनिंग प्लेस है, इतना खूबसूरत प्लेस है, इतनी अच्छी जगह मैं बता नहीं सकता। माई फेवरेट प्लेस जब मैं पूरे हफ्ते में दोबारा आया, मैं आगे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा गोवा की, कितनी इसमें दिखा दूँगा, मतलब गोवा का रश अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है लोग हैं यहाँ पर, कितने खूबसूरत यहाँ पे सामान है, कितनी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा, मैंने शॉट्स ले लिए उसके। और ये देखिए, ये लोग वोटिंग पे, कैमरा उधर, कैमरा डर प्लीज़, ये वोटिंग कर रहे हैं लोग, ठीक है। और बहुत ही खुश है दिवाली का अपना संतोषण कह लीजिए या दिवाली भी कर सकते। इस वक्त गोवा में ये हालत है कि आपको होटल्स के अंदर रूम्स नहीं मिल रहे हैं, और बहुत ही मामूली से रूम के लिए आपको बहुत हाई रेट पे करना पड़ रहा है, बहुत सारे पैसे पे करने पड़ रहे हैं। और जो पहला मेरा ब्लॉग है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है। आई एम नॉट अ ब्लॉगर, मुझे नहीं पता कि कैसे किया जाता है। आजकल तो आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग बना रहे हो, खाना बनाते का, कपड़े पहनने का, कुछ भी करते हैं। तो मतलब ये देखिए, आई लव गोवा दिखाइए, आई लव गोवा एक लाइन में लिखिए सबको, कितना बढ़िया ये टी शर्ट देखिए, इनका इनका ये लोगों का गोवा के प्रति प्यार है। तो गोवा हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है, एक ऐसा स्टेट है, सॉरी, जिसको मैं समझता हूँ हर इंडियन बहुत प्यार करता है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी लोगों से जो अभी तक गोवा नहीं आए, गोवा जरूर आइए। गोवा हैप्पी प्लेस, मतलब यहाँ आके आप एक अलग सी दुनिया में आ जाते हो। रात को मैं किसी को गया था और ज़्यादा तो बिहार 4-5 घंटे 6 घंटे खूब मैंने मस्ती की, और वहाँ पे जीता तो नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा हारा भी नहीं, तो खूब मस्ती करी और फिर आ गया। अपन जो है थोड़े यार, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं, कितने यहाँ पे भगवान भोलेनाथ हैं, बुद्धा की मूर्ति है, श्री गणेश भगवान की मूर्ति है, ये हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है यहाँ पर, और ये एक हाथी की है, ये मेरे प्यारे भोलेनाथ जी। और उसके साथ साथ में समंदर से निकलती हुई बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें ये आप देख सकते हैं, ये शंख जो मंदिरों में बजाए भी जाते हैं, जो आप ठीक है। अभी हमने आपसे वो लिया ना, क्या क्या लिया, ओके, तो कैसा लग रहा है अभी आपको, टूरिस्ट आ रहा है खूब, ओके। तो हमारी ब्लॉग की पहली महिला को हमने शामिल किया है इसमें। ये देखिए, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी आपकी ड्रेसिंग सेंस को इन्हेंस करती हैं, इतनी खूबसूरत ये चीज़ें हैं। ये नॉर्मली आपको गोवा में बहुत ही कम पैसों में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए, ये देखिए किस तरीके के ओपनर्स हैं, आपने इस तरीके के ओपनर्स नहीं देखे होंगे, देखिए अलग अलग ब्रांड्स के लिकर बॉटल्स के। ओह माय गॉड, दिस इज रियली ब्यूटीफुल, लेट मी शो यू फ्रॉम दिस एंगल, रियली दिस इज सो नाइस, छोटे छोटे जहाज हैं यहाँ पर। ये ब्लॉग आएगा यूट्यूब पे, ठीक है, अगर देखना इसको, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो इट्स टाइम फॉर मी, जिसको हम भी टाइम बोलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेता हूँ, फिर आगे की सारी दिन भर की एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करता रहूँगा, वीडियो के साथ ऐड करता रहूँगा।
मैंने बाकी की तरह मैंने भी सोचा भैया गोवा है तो थोड़ा कैसीनो का पता चल जाए, लेकिन मैं अभी यहाँ से देखता हूँ कैसीनो के आगे इस तरह की। This time to close this journey. I'm going back to Delhi right now and जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, लेकिन एक ही शर्त, आपको इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा देखना है, शेयर करना है और अपने कमेंट्स देने हैं। गंदा बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये देखो सर काट दिए, सर कट के ऐसे है ना, हम तो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर तो है, हम सीनियर एक्टर हैं। ठीक है, सो लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।